हेलो नमस्कार साथियों। क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? हेलो अनिल, क्या मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यदि आवाज़ आ रही है तो कृपया कमेंट करके बताएं ताकि मैं दुरुस्त हो जाऊं। सर आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है ठीक है। सबसे पहले तो मैं जन सरोकार मंच के इस भव्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम शुरू करूँ, सबसे पहले मैं देवेंद्र जी सर का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान कराया, मंच उपलब्ध कराया। और फेसबुक का जैसे ये एक नया क्रिएटिव उन्होंने एक उपयोग देखाया, जैसे चूंकि ये एक कोरोना की वजह से काव्य पाठ का थोड़ा सा ये था, ये सम्मेलन नहीं हो पा रहे थे, तो इन नई प्रतिभाओं के लिए उन्होंने ये जो नया क्रिएटिविटी की है एक, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अभी हाल ही के समय हमने देखा पूरी मानव जाति एक भयंकर विपदा से गुजरी है, गुजरी क्या है, गुजर रही है। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा है क्योंकि ये व्यक्तिगत मेरी सोच ये है कि ये प्रकृति ने हमारे ऊपर जो ये दिखाई है, रुष्टता दिखाई है, नाराज़गी दिखाई है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। भले ही एक मेडिकली इसका रीज़न मानते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मेरी व्यक्तिगत कि ये प्रकृति ने रिवेंज लिया है। हमने जो उसके कार्य क्षेत्र में दखलंदाजी करी है उसी का इन्होंने ये रिवेंज लिया है। तो उसी के ऊपर मैं थोड़ा लाइनें लिखी है चंद, तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी सर, आवाज़ सही आ रही है या थोड़ी कम आ रही है? कोरोना के ऊपर जो लिखी है मैंने कि प्रकृति ने एक बार फिर अपनी खुमारी उतारी है, प्रकृति ने एक बार फिर अपनी खुमारी उतारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। थोड़ा इसका प्लॉट समझिएगा कि ये इसका जो मेडिकल से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो मैंने व्यक्तिगत ये समझा है या ये मेरी सोच है कि ये कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का नतीजा है कोरोना। इसमें मैं कोई वायरस नहीं मानता हूँ, ये अपनी खुद की गलती मान के ये मैंने लिखा है कि इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है, प्रकृति ने आंख दिखा दी इंसानी करतूतों को, प्रकृति ने आंख दिखा दी इंसानी करतूतों को, पल में बोना साबित कर दिया बेमानी बलबूतों को, पल में बोना साबित कर दिया बेमानी बलबूतों को, सीख मिल गई ठोकर खाकर, सीख मिल गई ठोकर खाकर हम कुदरत के कपूतों को, कि खुद ही खुद के पैरों पर हमने कुल्हाड़ी मारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। सीख मिल गई ठोकर खाकर हम कुदरत के कपूतों को, कि खुद ही खुद के पैरों पर हमने कुल्हाड़ी मारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। अगला स्टेंजा देखिए, नश्वरता का पता चल गया, आध्यात्मिक हो गए इस कोरोना के बाद, काफ़ी लोग जो नहीं मानते थे ईश्वर में ऋण में आध्यात्मिक हो गए, तो नश्वरता का पता चल गया, परतें खुल गई ज्ञान की, नश्वरता का पता चल गया, परतें खुल गई ज्ञान की, संख्याओं में बदल रही है हस्ती हम इंसान की, संख्याओं में बदल रही है हस्ती हम इंसान की, मूक तमाशा देख रहे हैं तथा कथित भगवान भी। भगवान बने हुए थे कुछ लोग जिनको लगता था कि सब कुछ अपने हाथ में है, तो मूक तमाशा देख रहे हैं तथा कथित भगवान भी। इस सृष्टि में परम सत्ता की बहस आज भी जारी है। एक ही लाइन देखिएगा कि इस सृष्टि में परम सत्ता की बहस आज भी जारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है।
आगे का देखिएगा कि महाकाल उतरा हो जैसे फसल काटने इंसान की, महाकाल उतरा हो जैसे फसल काटने इंसान की, लाशों में तब्दील हो रही है गलती हम इंसान की। महाकाल उतरा हो जैसे फसल काटने इंसान की, लाशों में तब्दील हो रही गलती हम इंसान की, प्रकृति का तंत्र बिगाड़े, प्रकृति का तंत्र बिगाड़े और आस करे भगवान की। माँ प्रकृति की शरण ही अब अंतिम आस हमारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। माँ प्रकृति की शरण ही अब अंतिम आस हमारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। आओ बैठे समय की कैद में, सही गलत पर ध्यान धरें। अब ये तो थी समस्या, अब ये समाधान है कि आओ बैठो समय की कैद में, सही गलत पर ध्यान धरें। खूब टाइम मिला है अब ये सोचने के लिए कि आओ बैठो समय की कैद में, सही गलत का ध्यान धरें, पाप पुण्य में अंतर खोजें, पाप पुण्य में अंतर खोजें, स्वयं से साक्षात्कार करें, परिस्थितियों का सच पहचानें, गलती को स्वीकार करें, परिस्थितियों का सच पहचानें, गलती को स्वीकार करें, और वर्तमान का सच तो केवल घर की चार दीवारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। क्यों ना अपने अंतर्मन से इस विपदा का कारण पूछें, अपने अपने अंतर्मन में जाके पूछें कि क्या है इसका कारण, कि क्यों ना अपने अंतर्मन में इस विपदा का कारण पूछें। भौतिकता और अध्यात्म का आपस में संबंध सोचें, भौतिकता और अध्यात्म का आपस में संबंध सोचें, इंसान होना साबित करें, इंसान होना साबित करें और कोशिश अपनी जारी रखें। हर छोटी कोशिश के आगे बड़ी समस्या आ रही है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। इसका अंतिम संदेह कि इसका मैंने समाधान दिया है अपने सोच से, अपने विवेक से, कि क्या करना है, मैं किस तरह से इसका आगे भी ऐसी परिस्थितियाँ आती रहेगी तो क्या, मैंने इसका देखा कि काश ऐसा हो जाए कि सब प्रेम की भाषा सीख लें, काश ऐसा हो जाए कि सब प्रेम की भाषा सीख लें, हर इंसान में ईश्वर देखें, स्वयं को सुनने मान लें, हर इंसान में ईश्वर देखें, स्वयं को सुनने मान लें, मान के दुनिया को अपना घर, वसुदेव कुटुंब की राह चलें। प्रेम शास्त्र ही दुनिया में अविनाशी अविकारी है, प्रेम शास्त्री दुनिया में अविनाशी अविकारी है, इंसानी औकात पर एक वायरस भारी है। तो ये कोरोना के ऊपर थे, तो यूँ तो ये जैसे मेडिकल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रकृति के भी गुनहगार तो हैं ही सही। ये थोड़ी थोड़ी मैंने सभी विषय पर अब लिखी है कविताएं, तो थोड़ी सी वैरायटी में मैं और आज की एक परिस्थितियों के ऊपर लेता हूँ मैं, कि परिवारों में भी गृह कलेश और जो पुराने जो बंधन थे, पुराने जो मर्यादाएं थी, वो थोड़ी सी ख़त्म होती दिख रही है। धीरे धीरे परिवारों का जो संयुक्त परिवार से एकल पे और एकल से भी अब वापस टूटने लग गए, वृद्धाश्रम कई सारी की स्थितियाँ बनने लग गई है, तो इंसान सामाजिक जीव धीरे धीरे सामाजिकता इंसान में से ख़त्म होती जा रही है। इसके ऊपर कुछ शब्द लिखें, थोड़ा गहराई देखेगा शब्दों की, कि हाँ साथ ही इन इन जो भी कविताओं में मैं जो कुछ आपको कमियां लगे तो बाद में कमेंट करके बताना ज़रूर, प्रथम प्रयास समझ के और अवगत ज़रूर कराना, क्योंकि मैं इसको आगे से भी इस पे सुधार कर सकूं। तो क्या थे परिवार, क्या हो गए हैं, परिवार की स्थिति अलग थी और अलग हो गई, वो अंतर देखिएगा कि जो हम आदर्श जिन चीज़ों को हम समझा करते थे, कैसे कैसे परिस्थितियां बदली है, कि क्या थे परिवार, क्या हो गए हैं, भ्रम के भंवर में इंसान खो गए हैं। क्या थे परिवार, क्या हो गए हैं, भ्रम के भंवर में इंसान खो गए हैं। भाई भाई पर जान देता था कभी, भाई भाई पर जान देता था कभी, आज खून के प्यासे हो गए। परिस्थितियाँ बदली है जो देखना, कि भाई भाई पर जान देता था कभी, आज खून के प्यासे हो गए हैं। आगे देखें, भाई भाई को नहीं भाता है, भाई भाई को नहीं भाता है, बेटा बाप को आंखें दिखाता है, भाई भाई को नहीं भाता है, बेटा बाप को आंखें दिखाता है, प्रेम की भाषा कोई समझ नहीं पाता है,
प्रेम की भाषा कोई समझ नहीं पाता है, दौलत पाकर समझते हैं भगवान पा गए हैं, दौलत पाकर समझते हैं भगवान पा गए हैं, क्या थे इंसान, क्या थे परिवार, क्या हो गए हैं। अगला देखिए, बहन भाई से कतराती है, बहन भाई से कतराती है, मर्यादाओं का बहुत घिनौना रूप कई कई बार देखने को मिलता है, वहीं से लाइन उठाइए कि बहन भाई से कतराती है, बेटी बाप से नज़रें चुराती है और मानवता दूर खड़ी घबराती है। बहन भाई से कतराती है, बेटी बाप से नज़रें चुराती है, मानवता दूर खड़ी घबराती है, मर्यादा का खून करने वाले राम हो गए हैं, मर्यादा का खून करने वाले राम हो गए हैं, क्या थे परिवार, क्या हो गए। पारिवारिक बंधन अब टूट गए हैं, पारिवारिक बंधन अब टूट गए हैं, जन्मों के साथ अब छूट गए हैं, चंद सिक्कों में जमीर बिक रहा है यहाँ, चंद सिक्कों में जमीर बिक रहा है यहाँ, पानी से सस्ते खून के दाम हो गए हैं, क्या थे परिवार, क्या हो गए। आगे का देखिए, देश बन रहा है चौपट राजा की अंधेर नगरी, देश बन रहा है चौपट राजा की अंधेर नगरी, जिंदा रहना भी बन गई है मजबूरी। देश बन रहा है चौपट राजा की अंधेर नगरी, जिंदा रहना भी जहां बन गई है मजबूरी, कथनी और करनी में बढ़ गई है दूरी, कथनी और करनी में बढ़ गई है दूरी, हवस के बीमारों के लिए सच्चे लोग अनार के दाने हो गए हैं, क्या थे परिवार, क्या हो गए हैं। ये अंतिम इसका छंद है और मेरा पसंदीदा भी है, थोड़ा सा इसकी गहराई देखना शब्दों की, कि बाप की आहों से थक हार कर, बाप की आहों से थक हार कर, माँ की कराहों पर गुस्सा उतार कर, बाप की आहों से थक हार कर, माँ की कराहों पे गुस्सा उतार कर, माँ बाप के एहसानों को कुएं में डाल कर, बाप के की आहों को आहों से थक हार कर, माँ की कराहों पर गुस्सा उतार कर, माँ बाप के एहसानों को कुएं में डालकर, लोग करवट बदल कर चैन से सो गए हैं, क्या थे परिवार, क्या हो गए हैं। धन्यवाद। ये परिवारों का जो मैंने देखा वैसा ही लिखा है, क्योंकि अखबार में पढ़ते हैं, भले अपने आसपास नहीं होता हो लेकिन कहीं होता तो है, जो अपन अखबारों में इनमें थोड़ा मन व्यथित होता है ऐसी घटनाओं से, उसके ऊपर मैंने ये लिखा है। तो इसके अलावा कविता है मेरी, उसका शीर्षक है तू, दोस्ती के ऊपर। इस दोस्ती का साहिल है तू, इस दोस्ती का साहिल है तू, नाज है कि हासिल है तू, इस दोस्ती का साहिल है तू, नाज है कि हासिल है तू, मेरे गमों का कत्ल किया जालिम भी है कातिल है तू, मेरे गमों का कत्ल किया जालिम भी है कातिल है तू, रजनी का सितारा है तू, दिनकर का उजाला है तू, बेखुशी को बांध ले खुशियों की वो माला है तू, दीपक को दहन से जोड़ दे वो तेल तप्त बाती है तू, ये चंद रास्ते तो क्या जिंदगी का जहन और मौत का साथी है तू, इस जहन का हर रवा है तू, पानी में जैसे हवा है तू, चोट तुझे और दर्द मुझे हर दर्द की दर्दे दवा है तू, जीवन का दर्शन है तू, दिल में ही नहीं मन में भी तू, प्यार हो या नफरतें दुनिया के हर चलन में तू, प्यार हो या नफरतें दुनिया के हर चलन में तू, सब हदों की सरहद है तू, सब हदों की सरहद है तू, मुश्किलों की मशक्कत है तू, प्यार के गद्दारों की शमशाने सामत है तू, प्यार के गद्दारों की शमशाने सामत है तू, इस मन का मुकद्दर है तू, इस मन का मुकद्दर है तू, मदमस्त सा मंजर है तू, है अभी सजदे में पर इस दौड़ का सिकंदर है तू, चांद की चाहत है तू, इस दोस्त की मन्नत है तू, कहते हैं कि दुनिया में सूरत छिपी है पर मेरी जहनुमो जन्नत है तू, चमचमाता कनिष्क है तू, चमचमाता कनिष्क है तू, नफरत में छिपा इश्क है तू, तभी तो मन का अक्षत और अक्षत की रिस्क है तू, अक्षत की रिस्क है तू, दिल की धड़कती धड़कन में तू, बहते लहू की हलचल में तू,
कांटे सहकर जो हंसना सीखे उस गुल वाले गुलशन में तू, फूलों की खुशबू में तू, मंदिर में तू, मस्जिद में तू, दुनिया चाहे कुछ भी मांगे पर मेरी हर जिद में है तू, सच में तू, बेसच में तू, सपने में तू, हकीकत में तू, नदियों के कोहराम में क्या, सागर की हरकत में तू, तेरे हर एक दर्द में मैं, तेरे हर एक दर्द में मैं और मेरे हर गम में साथ है तू, हार की केवल जीत और जीत की केवल मात है तू, जून का झुलसता दिन बरसात की बरसती रात है तू, जून का झुलसता दिन और बरसात की बरसती रात है तू, कागज़ की कश्ती है तू, बारिश की मस्ती है तू, कागज़ की कश्ती है तू, बारिश की मस्ती है तू, और तो अब क्या लिखूं पर फौलादे हस्ती है तू, नशा भी तू, शान भी तू, नशा भी तू, शान भी तू, इस शख्स की पहचान है तू, शानो पहचान तो अक्सर मिल जाया करती है पर किस्मत का कदरदान है तू, इस एक अरसे से अरमान है तू, मुर्दे का जीवन दान है तू, तुलना देखिएगा, एक अरसे से अरमान है तू, मुर्दे का जीवन दान है तू, हर सफर में हम सफर और हर मंजिल की मुस्कान है तू, हर सफर में हम सफर हर मंजिल की मुस्कान है तू, मोहसिन और रसों का जार है तू, नाजुक फूलों का हार है तू, नाजुक फूलों का हार है तू, जहाँ नफरतें बेमोल बिकी हों वो प्यार भरा संसार है तू, जहाँ नफरतें बेमोल बिकी हो वो प्यार भरा संसार है तू, अक्सर जहाँ दिलदार रहे हों वही तो है, हाँ वही तो है तू, अब क्या लिखूँ कि क्या क्या है तू, अब क्या लिखूँ अंतिम लाइन है कि अब क्या लिखूँ कि क्या क्या है तू, बस खुदा ही नहीं वरना क्या नहीं है तू। ये दोस्ती के ऊपर चंद लाइनें थी, तो ये क्या है जैसे काफ़ी पुरानी लिखी हुई है, लेकिन मेरे को लगा कि इस समय क्योंकि अलग अलग विषय पे लेनी थी, मेरे को सीमित समय है, समय की थोड़ी सी कम समय में हमने को ज़्यादा कवर करना है, तो ये मैंने जीवन के ऊपर कुछ लिखा है, हम सोचते हैं और उस हिसाब से कुछ होता नहीं है। तो ख्वाहिशें इंसान की, ख्वाहिशें इंसान की भले ही पूरी नहीं होती, ये छोटी कविता है लेकिन थोड़ी रियलिस्टिक लगी मेरे को, तो देखिएगा कि ख्वाहिशें इंसान की भले ही पूरी नहीं होती, कोई शिद्दत मगर फिर भी अधूरी नहीं होती, ख्वाहिशें इंसान की भले ही पूरी नहीं होती, कोई शिद्दत मगर फिर भी अधूरी नहीं होती, मृत्यु की सच्चाई को जान लेते हैं जो, मृत्यु की सच्चाई को जान लेते हैं जो, जीवन में उनके फिर कोई कभी लाचारी नहीं होती, जीवन में उनके फिर कभी कोई लाचारी नहीं होती, हर नर में बसा करते हैं नारायण, हर नर में बसा करते हैं नारायण, हमारी हर चीज हमारी नहीं होती, हर नर में बसा करते हैं नारायण, हमारी हर चीज हमारी नहीं होती, हम सब साधन मात्र है कोई साध्य नहीं, हम सब साधन मात्र हैं कोई साध्य नहीं, दुनिया की कोई से गैर जरूरी नहीं होती, हम सब साधन मात्र हैं कोई साध्य नहीं, दुनिया की कोई से गैर जरूरी नहीं होती, दुनिया के कारोबार को चला रहा है कोई और, दुनिया के कारोबार को चला रहा है कोई और, खुद ही के ऊपर हर जिम्मेदारी नहीं होती। और ये अंतिम लाइनें हैं, थोड़ा सा इसमें इस पर ध्यान दीजिएगा कि जिंदगी की बिसात के मोहरे मात्र हैं हम, जिंदगी की बिसात के मोहरे मात्र हैं हम, चलते हैं हम जरूर पर चाल हमारी नहीं होती, जिंदगी की बिसात के मोहरे मात्र हैं हम, चलते हैं हम जरूर पर चाल हमारी नहीं होती। तो ये छोटी सी मैंने गज़ल लिखी थी। अब देखिए इसके बाद जो है, समय सीमित है, थोड़ा सा बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। ये कविता उन युवाओं को समर्पित है, विशेषकर युवा साथियों को, जो छोटी सी असफलताओं से निराश हो जाते हैं। अभी हाल ही के समय में एक बहुत बड़े अभिनेता ने जीवन से हार के अपना जीवन समाप्त कर लिया,
ऐसी स्थितियां जीवन में आती रहती है, उनका हमें डट के मुकाबला करना है। उसी से संबंधित ये मैंने लिखा है कि हमारे पास भले बहुत कुछ नहीं है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि अपने पास नहीं है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी है जो हमारे पास है। तो हमारे पास क्या-क्या है उनका थोड़ा एनालिसिस देखिएगा कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें महत्वपूर्ण या एक्सक्लूसिव बनाती है, कि आज क्या नहीं मेरे पास है। आज कविता का शीर्षक है, आज क्या नहीं मेरे पास है। जैसे स्वस्थ तन और स्वस्थ मस्तिष्क दोनों मेरे पास है। आज क्या नहीं मेरे पास है, स्वस्थ तन और स्वस्थ मस्तिष्क दोनों मेरे पास हैं। माँ का निश्चल आशीर्वाद जो जो है अपने पास, वो बताता हूँ मैं कि माँ का निश्चल आशीर्वाद तो पिता का दृढ़ विश्वास है। माँ का निश्चल आशीर्वाद तो पिता का दृढ़ विश्वास है। भाइयों का अटूट स्नेह, भाइयों का अटूट स्नेह, बहनों का रक्षा पास है। आज क्या नहीं मेरे पास है। दोस्तों की दोस्ती है, आशाओं की आस है, गुरुजनों की दुआएं। दोस्तों की दोस्ती है, आशाओं की आस है, गुरुजनों की दुआएं और अपनेपन का एहसास है। आज क्या नहीं मेरे पास। जीवन साथी सा साथी जीवन में, जीवन साथी सा साथी जीवन में पुत्री सा मधुरिम उल्लास है। जीवन साथी सा साथी जीवन में पुत्री सा मधुरिम उल्लास है। कच्चे रिश्तों के पक्के बंधन, कच्चे रिश्तों के पक्के बंधन, परिवार में शांति का वास है। आज क्या नहीं मेरे पास। जीवन साथी सा साथी जीवन में पुत्री सा मधुरिम उल्लास है। कच्चे रिश्तों के पक्के बंधन, परिवार में शांति का वास है। आत्मविश्वास का शस्त्र हाथ में, आत्मविश्वास का शस्त्र हाथ में तो धैर्य की ढाल है। आत्मविश्वास का शस्त्र है तो धैर्य की ढाल है। प्रयत्न का यंत्र साथ में, प्रयत्न का यंत्र साथ में मेहनत का मधुमास है। आज क्या नहीं मेरे पास है। ये लाइनें मैं वापस रिपीट करता हूँ कि आत्मविश्वास का शस्त्र है तो धैर्य की ढाल है, प्रयत्न का यंत्र साथ में मेहनत का मधुमास है। आज क्या नहीं मेरे पास है। अंतरिक्ष सी सोच है मुझ में, आगे का स्टेंजा कि अंतरिक्ष सी सोच है मुझ में, धरती सा ठहराव है। अंतरिक्ष सी सोच है मुझ में, धरती सा ठहराव है। जल की शीतलता है मुझ में, जल की शीतलता है मुझ में, चंद्रमा का दिव्य प्रभास है। चंद्रमा का दिव्य प्रभास है। आज क्या नहीं मेरे पास है। जीवन ऐसा पड़ाव है यारों, जीवन ऐसा पड़ाव है यारों, जिसमें कई सारे भटकाव है। जीवन भटकाव का नाम है इसमें। तो जीवन ऐसा पड़ाव है यारों, जिसमें कई सारे भटकाव है। सही गलत के इस दलदल में, सही गलत के इस दलदल में मृत्यु ही अंतिम अवकाश है। आज क्या नहीं मेरे पास है। यहाँ पे मैं ये क्या है, मुझे किसी ने और ने भी कहा था कि ये जो छंद है थोड़ा सा नकारात्मक ऊर्जा देने वाला लग रहा है। मृत्यु अंतिम अवकाश है, इसका तात्पर्य केवल इतना है कि हमें मृत्यु पर्यंत संघर्षरत रहना है। हमारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हमें कभी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, जीवन में हमेशा एक्टिव बने रहना चाहिए, क्योंकि जीवन मृत्यु से पहले कभी खत्म नहीं होता। केवल मृत्यु ही जीवन को खत्म कर सकती है, उससे पहले जीवन खत्म नहीं मानना चाहिए। तो ये इसीलिए लिखा है कि मृत्यु ही अंतिम अवकाश है। फिर आगे कि मेरा विवेक मेरा मार्गदर्शक, मेरा विवेक मेरा मार्गदर्शक, अनुभव मेरा पथ प्रदर्शक, अनुभव मेरा पथ प्रदर्शक, मेरा सत्य है मेरा रक्षक। फिर जीवन कठोर बनवास है। आज क्या नहीं मेरे पास है। और इसका अंतिम छंद देखिएगा कि ज्ञान दीप्ति है अंतरतम में, ज्ञान दीप्ति है अंतरतम में, मन में परोपकार है, स्वभाव में मेरे संस्कार, स्वभाव में मेरे संस्कार और आदत में हास परिहास है। आज क्या नहीं मेरे पास है, आज क्या नहीं मेरे पास है। तो ये मैसेज मैं उन तक ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा जो लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। इसके बाद मैं एक छोटी सी एक कविता है कि जिंदगी का कारवां, जिंदगी का कारवां यूं ही बढ़ता रहा, जिंदगी का कारवां यूं ही बढ़ता रहा, लोग मिलते रहे मैं बिछड़ता रहा। जिंदगी का कारवां यूं ही बढ़ता रहा, लोग मिलते रहे मैं बिछड़ता रहा।
तन्हाइयों में भी मेरा दम घुटता रहा, तन्हाइयों में भी मेरा दम घुटता रहा, दुनिया की भीड़ में भी मैं तन्हाई रहा, दुनिया की भीड़ में भी मैं तन्हाई रहा, कल्पना के संसार में खुश रहा सदा। कपोल कल्पना में खुश रहा कि कल्पना के संसार में खुश रहा सदा, सच्चाई को मगर देखकर डरता ही रहा, सच्चाई को मगर देखकर डरता ही रहा, जो ना मिला उसे मैं सदा ढूंढता ही रहा, जो ना मिला उसे मैं सदा ढूंढता ही रहा, जो मिलता गया उसे मैं गंवाता ही रहा, जो मिलता गया उसे मैं गंवाता ही रहा, जिंदगी की कश्मकश मौत तक चलती रही, जिंदगी की कश्मकश मौत तक चलती रही, सब कुछ जाते देख में हाथ मलता ही रहा, सब कुछ जाते देख में हाथ मलता ही रहा, अच्छा हुआ जो ज्ञान हमको ना मिला। अंतिम लाइन है कि अच्छा हुआ जो ज्ञान हमको ना मिला, इस ज्ञान के साथ भी मैं बुद्ध बन के ही रहा। ना मिलने वाला ज्ञान भी ज्ञान ही है, नहीं जानते हैं किसी चीज़ को वो भी एक ज्ञान है, अज्ञानता अपने आप में वरदान है। तो उसी उसी उपलक्ष्य में लिखा है मैंने कि अच्छा हुआ जो ज्ञान हमको ना मिला, इस ज्ञान के साथ भी मैं बुद्ध बन के ही रहा, जिंदगी का कारवां यूं ही बढ़ता रहा, लोग मिलते रहे मैं बिछुड़ता रहा। अब शायद एक समय धीरे धीरे कविताएं बहुत है लेकिन समय बहुत स्पीड से दौड़ता जा रहा है। एक अंतिम बचपन की कविता है। बचपन गोल्डन टाइम होता है अपना, और ये जो समय है पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और वो हमने खो दिया है। उसी के याद में कुछ लिखा है कि एक छोटा सा जीवन जो कभी मैंने जिया था। आप बचपन की जो शरारतें उनको दिमाग में रखिएगा कि एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था, या यूं कहें कि आनंद से साक्षात्कार किया था, आनंद से साक्षात्कार किया था। क्या हुआ था? पारिवारिक बंधनों से दूर, अनिवार्य तनाव से परे, दोस्ती और प्रेम की बूंदों से अपने तन मन को सराबोर किया था। एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था। पारिवारिक बंधनों से दूर, अनिवार्य तनाव से परे, दोस्ती और प्रेम की बूंदों से अपने तन मन को सराबोर किया था। एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था। कलियों से महकते हुए दिन, तारों से चमकती रात, खुशियों को तो जैसे हमने इच्छाओं से बांध लिया था। एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई खोटा नहीं, कोई खरा नहीं, हम सबके लिए, सब अपने लिए, बस प्यार देकर प्यार लिया था। एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था। आगे कि देश दुनिया से बेखबर, बचपन में किसी से मतलब नहीं होता, केवल जीवन खुल के जीते हैं, कि देश दुनिया से बेखबर हर स्वार्थ को दरकिनार कर, देश दुनिया से बेखबर हर स्वार्थ को दरकिनार कर, दोस्त की एक मुस्कान पर स्वर्ग का नज़ारा किया था। एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था। बेफिक्री के वो दिन वो बेपरवाह रातें, बेसिर पैर की वो उलझुल बातें, वापस कि बेफिक्री के वो दिन वो बेपरवाह रातें, बेसिर पैर की वो उलझुल बातें, हर दिन को तो हम जैसे त्योहारों की तरह मनाते, भंवरा बन के हमने जीवन रस पहले ही पी लिया था। एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था। इसका अंतिम छंद है कि कोई किंतु नहीं परंतु नहीं, कोई काश नहीं बकवास नहीं, ये काश मैंने वो लिया है, जो काश ऐसा होता वैसा होता, काश हम हर जगह काश लगा देते हैं, काश ये ऐसे नहीं होके वैसे, तो उस समय कोई काश नहीं था, उस समय बिल्कुल क्लियर था पिक्चर कि कोई किंतु नहीं परंतु नहीं, कोई काश नहीं बकवास नहीं, कुछ खास नहीं जो पास नहीं। ये लाइन एक बार और पढ़ता हूँ मैं कि कुछ खास नहीं जो पास नहीं, मोक्ष तो हमने जीते जी ही पा लिया था, एक छोटा सा जीवन जो मैंने जिया था। तो ये बचपन की कविता है मेरी,
आशा है आपको पसंद आएगी। सर ने थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया है, बहुत सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इस पर एक पोइम और पढ़ देता हूँ। मैं वक्त के ऊपर है कि समय के साथ हमें चलना है, क्योंकि समय अपने लिए नहीं रुकेगा, हमें समय के साथ ही चलना पड़ेगा। कितना सच है, कविता का शीर्षक है वक्त, कितना सच है और सही भी कि किसी के मन की मुरादों पर, कि किसी की मन की मुरादों पर नहीं रुकता ये वक्त। बादल से बिजली लड़े या जेहन में पानी पड़े, रात की हो बात या सूर्य का हो ताप, सतत गति की राह से मुड़ता नहीं ये वक्त। इंसान के बचपने को बचपने से जवान और एक दिन हर जवान को वृद्ध किए देता है ये वक्त। माना कि वक्त में ताकत है और वक्त से टकराने की ना ही किसी में हिम्मत है, पर क्यों किसी कमज़ोर पर अपना एक गुरूर आजमाता है वक्त। माना कि कली के खिलने से खिलता है उसका बागबान, और क्यों नहीं वो गुलशन, हाँ क्यों नहीं वो गुलशन जिसके हर कोने को और मेहमानों की सांसों को महकाता है वो फूल। एक बार कि हाँ क्यों नहीं वो गुलशन जिसके हर कोने को और मेहमानों की सांसों को महकाता है वो फूल, जो एक वक्त से पहले अपने को सिमटे हुए था एक नन्ही कली के रूप में, जो एक वक्त से पहले अपने को समेटे हुए था एक नन्ही कली के रूप में। माना कि ये सब होता है वक्त के प्रताप से, पर क्यों एक खिलती हुई कली को रात होने से पहले ही मुरझा देता है ये वक्त, और इसी तरह किसी के अरमानों को सच होने से पहले ही मिटा देता है ये वक्त। इंसान का सामना कभी सौरत तो कभी शामत से करवाता है ये वक्त, कभी किसी को गिराकर उठाता है वक्त, कभी किसी को खुशहाली या खुशियों से भरी झोली एक पल में दे जाता है ये वक्त। कितना अच्छा होता, एक कल्पना देखिएगा कि कितना अच्छा होता यदि खुशियों का अंबार, कितना अच्छा होता यदि खुशियों का अंबार होता अपरंपार, खुशियों का अंबार होता अपरंपार, न कोई गम में जीता न जीवन होता बेकरार, न कोई गम में जीता न जीवन होता बेकरार। पर नहीं यही सच है, पर नहीं यही सच है और वक्त की सच्चाई भी कि खुशी किसी की खुशी को खुश देखकर, कि किसी को खुशी से खुश देखकर खुश नहीं होता है ये वक्त। और एक बार फिर से अंतिम लाइन है कि किसी को खुशी से खुश देखकर खुश नहीं होता ये वक्त, और एक बार फिर से सुबह को शाम कर देता है ये वक्त, एक बार फिर से सुबह को शाम कर देता है वक्त। अभी समय है थोड़ा, मैं एक दो पॉइंट और ले लेता हूँ। तन्हाई, अगली कविता का शीर्षक है तन्हाई। कि किस्मत मुझे किस मोड़ पे ले आई है, तुम्हारी यादें हैं मैं हूं और ये तन्हाई है। किस्मत मुझे किस मोड़ पे ले आई है, तुम्हारी यादें हैं मैं हूं और ये तन्हाई है। क्या बताऊं बिन तेरे कैसे रह पाता हूं मैं, क्या बताऊं बिन तेरे कैसे रह पाता हूं मैं, जैसे खुद अपनी लाश को ढोता हूं मैं। क्या बताऊं बिन तेरे कैसे रह पाता हूं मैं, जैसे खुद अपनी लाश को ढोता हूं मैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू नजर आती है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू नजर आती है, एक पल के लिए जिंदगी ठहर सी जाती है। तेरे बगैर तमन्ना ऐसे मचलती है जैसे जल बिन कोई मछली तड़पती है। बिछुड़ के तुमसे खुद का गुनहगार हो गया हूं मैं, क्या कहूं तुमसे क्या था क्या हो गया हूं मैं।
बिछुड़ के तुमसे खुद का गुनहगार हो गया हूँ मैं, क्या कहूँ तुमसे क्या था क्या हो गया हूँ मैं। एक तेरी याद ही तो है जो आती रहती है, सांस चलती रहती है, वरना जिंदगियों का क्या, वो तो आती जाती रहती है। अपने नादान दिल को खुद ही समझा लेता हूँ मैं, तन्हाइयों में जाकर जब रो लेता हूँ मैं। हर रंग फीका हर मंजर बेजान सा लगता है, तेरे बगैर जिंदा रहना गुनाह सा लगता है। हे दुआ मेरी तू जहाँ भी रहे खुश रहे, मैं रहूँ न रहूँ जिंदगी रहे न रहे। ये थोड़े से अलग अलग विषय की है। एक असफलता के ऊपर कविता है कि जब आदमी असफल होता है तो उसके क्या मनोभाव होते हैं। एक असफल व्यक्ति की सोच बता रहा हूँ मैं, कि एक अजीब सा खालीपन मेरी रूह को तड़पाता है, एक अजीब सा खालीपन मेरी रूह को तड़पाता है, एक अनजाना भय रात भर मुझे अपने आप से डराता है। एक अनजाना भय रात भर मुझे अपने आप से डराता है, मेरे जज्बात अपनी औकात दिखाते हैं, मेरे जज्बात अपनी औकात दिखाते हैं, मेरे हौसले पस्त नज़र आते हैं, मित्र और रिश्तेदार आते हैं, सहानुभूति जताते हैं, लच्छेदार बातों से मेरे जख्मों पर नमक रगड़ जाते हैं, दिल की खुशी दबाते हैं, चेहरे से उदासी टपकाते हैं, मुझे लेकर चिंतित नज़र आते हैं, मगर जाते जाते भीड़ ऐसी मुस्कान दे जाते हैं। मेरी मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है, मैं हवा में गुस्सा उतारता हूँ, कुछ असंभव से ख्याल देखकर एक एक पल गुजारता हूँ। ऐसे वक्त में आदमी की विवशता उभरती है, जब वक्त की कैंची चलती है, अपने ही चरागों से तब दुनिया जल के राख हो जाती है। रोना चाह कर भी रो नहीं पाते हैं, कहना चाह कर भी कह नहीं पाते हैं, दुनिया के व्यंग बाणों का जवाब देना चाह कर भी दे नहीं पाते हैं। तब ये सारी कायनात ही व्यर्थ लगती है, तब ये सारी कायनात व्यर्थ लगती है, अकेलेपन से ही थोड़ी राहत मिलती है, उम्मीद की एक किरण भी तब जिंदगी की भोर लगती है। घोर निराशाएं जकड़ लेती है, संभावनाएं तांडव दिखाती है, असंभावनाएं तांडव दिखाती है, आत्मा अंदर ही अंदर कचोड़ती है, हर नज़र सवाल उठाती है। ये मनोस्थिति एक असफल व्यक्ति की है, मतलब मेरी खुद की है, जब मैं असफल हुआ था किसी मेरे प्रयास में। तो घोर निराशाएं जकड़ लेती है, असंभावनाएं तांडव दिखाती है, आत्मा अंदर ही अंदर कचोड़ती है, हर नज़र सवाल उठाती है। सब होते हुए भी कुछ नहीं है, आदमी का व्यक्तित्व कुछ नहीं है, उसका जमीर मायने नहीं रखता जब तक उसके पास सुकून नहीं है। हर निगाह में सवाल होता है, सब होते हुए भी आदमी कंगाल होता है, होंठ हंसते हैं दिल बिलकता है जब आदमी असफल होता है। हर निगाह में सवाल होता है, सब कुछ होते हुए भी आदमी कंगाल होता है, होंठ हंसते हैं दिल बिलकता है जब आदमी असफल होता है। लेकिन अब आगे असफलताएं भी सफलताओं को जन्म देती है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस दौर में पहचान कराते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस दौर में पहचान कराते हैं, जीवन के इस मोड़ पर जो देवदूत की तरह आते हैं, जीवन के इस मोड़ पर जो देवदूत की तरह आते हैं और सही राह दिखा जाते हैं। वे लोग जो आम नहीं होते दुनिया वे लोग जो आम नहीं होते दुनिया के साथ होते हुए भी नहीं होते, जो दूसरों के दुख से व्यथित होते, दूसरों की खुशी में खुशी पाते, दूसरों की पीड़ा पर आंसू बहाते, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते, वही हैं जो इस दौर में उभर कर आते हैं। इंसान के भेष में फरिश्ते होते हैं, खुशियाँ देकर गम लेते हैं, ऐसे महामानव बहुत दुर्लभ होते हैं, ऐसे महामानव दुर्लभ होते हैं। असफलता में यदि कोई राह दिखाने वाला होता है तो वो महामानव है, हमारे लिए ईश्वर का अवतार है, उसका फरिश्ता है, उसका मैसेंजर है। और इसकी अंतिम पंक्तियाँ कि ऐसी मानव शक्ति का मिलन, ऐसी मानव शक्ति का मिलन ऐसी असफलता से ही जन्मता है, सब कुछ खो देने के बाद ही जीवन जीने को प्रेरित कर जाते हैं। ये असफलताओं में भी अपने को कुछ पॉजिटिव ढूंढना है, तो असफलताओं से ही हमें ऐसे महामानव, ऐसे जो हमें हमारे जो चाहने वाले हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये रियल है, जैसे 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 मैंने महसूस किया असफलता
होने पे आदमी कई तरह के विचार उसके मन में पलते हैं। तो थोड़ा समय है तो मैं एक छोटी सी पोइम और ले लेता हूँ। ये एक छोटी सी लेकिन लास्ट है। ये मैंने अपने दोस्त को उसकी शादी के ऊपर शुभकामना के तौर पे लिखी है, और ये मैं हर शादीशुदा जोड़े को समर्पित करता हूँ कि दाम्पत्य तुम्हारा सफल रहे। ये शुभकामनाएं मेरी कि दाम्पत्य तुम्हारा सफल रहे, प्रेम का ये वृक्ष सदा हरा रहे। दाम्पत्य तुम्हारा सफल रहे, प्रेम का ये वृक्ष सदा हरा रहे, दुखों की आंधी में गम के अंधेरों में, दुखों की आंधी में गम के अंधेरों में चाहत का दीपक जलता रहे, चाहत का दीपक जलता रहे, दाम्पत्य तुम्हारा सफल रहे। एक है जान एक है तन, एक है जान एक है तन, फिर दोनों में फर्क क्या, दोनों के बीच कभी कोई अदावत न रहे। अदावत कहते हैं दुर्भावना को। डूब जाओ प्यार के सागर में इतने गहरे, डूब जाओ प्यार के सागर में इतने गहरे, देखकर तुम्हें ताजमहल भी शर्माता रहे, देखकर तुम्हें ताजमहल भी शर्माता रहे। तेरे हाथों में मोहब्बत की मेहंदी सजे, तेरी बातों में चाहत की खुशबू रहे, लाख दूर हो चाहे एक दूजे से, दिल में मिलने की तमन्ना जवां रहे। दुनिया चाहे कितने ही जख्म कुरे दे, दोनों का एतबार सदा बना रहे। हालात हों चाहे कितने खिलाफ, हालात हों चाहे कितने खिलाफ, दिल के दरमियाँ कोई शिकायत न रहे। हे ईश्वर से मेरी अर्जी दिनेश, हे ईश्वर से मेरी अर्जी दिनेश, तुम पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। एक दोस्त को मैंने समर्पित की थी, लेकिन ये मैं सभी शादीशुदा जोड़ों को अपनी ओर से समर्पित करता हूँ। अब समय लगभग समाप्त हो चुका है, बहुत कविताएँ थी, लेकिन अब क्योंकि सब समय की अपनी सीमाएं हैं तो प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार, तो सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी सर का एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से, मैं सही शब्द नहीं मिल रहे मेरे को, तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और मेरे को इसके लिए तैयार किया। मैं तैयार नहीं था क्योंकि मेरे को लगता नहीं था कि मैं इस लायक हूँ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मोटिवेट किया और मैं जैसा भी मैं आज मैंने बोला, जैसे भी इसकी जो भी इसकी रिव्यू होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मैंने ये प्रयास किया और प्रयास करना महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए आपको सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी जो दर्शक है या श्रोता हैं सबको मेरा मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ये कीमती समय निकालने के लिए, क्योंकि आज के समय में साहित्य का स्तर जो है बहुत धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लोगों की रुचि घटती जा रही है। आजकल कवि सम्मेलन या फिर कविताएं, इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि और भी मनोरंजन के काफ़ी साधन आ गए, लेकिन साहित्य समाज का दर्पण है। तो इसलिए मैं आप सबका यहाँ पर इस समय मेरे को लाइव देखने के लिए और अपना समय देने के लिए सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, और एक आग्रह ज़रूर करता हूँ कि मेरे इस प्रसारण में जिस तरह की आपको लगे, भले पॉजिटिव नहीं दो चलेगा, लेकिन कोई नेगेटिव कोई कमेंट हो, सुधार की गुंजाइश हो, कहीं कहीं पे जो आपको उचित लगता हो वो ज़रूर मुझे अवगत कराएं, क्योंकि ये मान के कि ये मेरा पहला प्रयास है और अभी मैं इसमें बिल्कुल नौसिखिया हूँ, तो इसलिए आप मुझे ज़रूर इन चीज़ों से अवगत कराएं इस मंच से या मेरे पर्सनल आईडी पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।